वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी बोर्ड की 10th क्लास की इंग्लिश चल रही है और अभी इंग्लिश प्रोज के चैप्टर चल रहे हैं। इंग्लिश प्रोज में आपके टोटल 6 लेसन हैं, जिनमें से आज ये 5वां लेसन चल रहा है। और जो 5वां लेसन है आपका, इसमें 2 पार्ट हैं। एक पार्ट की वीडियो क्लास में आपको बता चुका हूँ, बना चुका हूँ। आपने अगर वो नहीं देखी है तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। पार्ट 2 रहेगा आपका। लेसन का नाम है टॉर्च बियरर्स मसालवाहक और इसके लेखक WM रायबर्न हैं। आज हमारा दूसरा पार्ट रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द ऑथर, यानी लेखक के बारे में। WM रायबर्न इज ए फेमस इंग्लिश राइटर हु राइट्स ऑन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड जनरल टॉपिक्स। WM रायबर्न एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हैं जो खेल और सामान्य विषयों पर लिखते हैं। हिज स्टाइल इज जर्नलिस्टिक, उनकी शैली पत्रकारिता है। समटाइम्स ही राइट्स ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल सब्जेक्ट्स, कभी कभी वे राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर लिखते हैं। ये बात थी अभी तक WM रायबर्न यानी राइटर के बारे में, जिसने ये 2 कहानियाँ लिखी हैं। अब बात करेंगे हम अबाउट द लेसन पार्ट के बारे में, और इस पार्ट का ये दूसरा पार्ट है। पहली वाली में एक मर्चेंट की स्टोरी थी और इसमें गुरु नानक की स्टोरी है। स्टोरी शुरू करते हैं। ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक दैट इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल ही केम टू ए विलेज। गुरु नानक की एक कहानी बताई जाती है जो अपनी यात्रा के दौरान एक गांव में आया था या आए थे। बिसाइड्स हिम हिज डिसिपल मर्दाना आल्सो केम टू द विलेज। उनके अलावा उनके शिष्य मर्दाना भी गाँव आए। दे वॉन्टेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट, वे रात भर वहीं रहना चाहते थे। बट द विलेजर्स वर र्यूड एंड इनहॉस्पिटेबल एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज। लेकिन ग्रामीण असभ्य और अयोग्य थे और उन्हें गांव में कहीं भी नहीं रहने देते थे या कहीं भी नहीं रहने दिया। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन। इसलिए गुरु नानक और मर्दाना को खुले में रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। एज दे टर्न्ड अवे फ्रॉम द विलेज, गुरु नानक सेड, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज। जैसा कि वे गांव से दूर चले गए, गुरु नानक ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस गांव के लोग हमेशा इस गांव में रहें। मर्दाना वाज समवाट पजल्ड एट दिस बट सेड नथिंग। मर्दाना इस पर कुछ हैरान था लेकिन कुछ नहीं कहा। द नेक्स्ट नाइट दे केम टू एनोदर विलेज वेयर दे मेट विद ए वेरी डिफरेंट रिसेप्शन। अगली रात वे दूसरे गांव आए जहां वे बहुत अलग स्वागत के साथ मिले। द विलेजर्स वेलकम्ड देम, ट्रीटेड देम काइंडली, फाउंड देम ए प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट एंड गेव देम फूड टू ईट। ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया, उनका इलाज किया, उनके साथ दयालुता की, उन्हें रात के लिए रहने के लिए जगह मिली और उन्हें खाने के लिए भोजन दिया। इन द मॉर्निंग एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लीविंग, द गुरु नानक सेड, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज बट मे बी स्केटर्ड थ्रू आउट द कंट्री। सुबह में जैसा कि गुरु नानक और मर्दाना जा रहे थे, गुरु नानक ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव में ना रहें,
लेकिन पूरे देश में बिखर सकते हैं, बिखरे रह सकते हैं। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन मर्दाना के लिए ये बहुत ज़्यादा था। ही प्रोटेस्टेड, उसने विरोध किया। ही सेड, भाई, ही सेड टू द गुरु, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग फॉर पीपल हु ट्रीट अस बेडली एंड फॉर मिसफॉर्चून्स फॉर दोज हु ट्रीट अस वेल। क्यों, उन्होंने गुरु से कहा, क्या आप उन लोगों के लिए अच्छी बात की प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उनके लिए दुर्भाग्य है। यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल विलेजर्स टू बी स्केटर्ड ओवर द कंट्री एंड फॉर दीज गुड पीपल टू रिमेन कंफर्टेबली वेयर दे आर। आपको उन अमानवीय ग्रामीणों के लिए देश भर में तितर बितर होने के लिए और इन अच्छे लोगों के लिए आराम करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी जहाँ वे हैं। नो, रिप्लाइड गुरु नानक, नहीं, गुरु नानक ने उत्तर दिया, इट इज बेटर फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली। उन अमानवी और स्वार्थी लोगों के लिए बेहतर है कि वे एक ही स्थान पर रहें जहां वे केवल एक स्थान पर नुकसान कर सकते हैं। इफ दे वेंट टू अदर प्लेसेस दे वुड हैव एन एविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री। यदि वे अन्य स्थानों पर गए तो देश भर में उनका बुरा प्रभाव पड़ेगा। Now these good people with whom we put up last night are too good to be left in one place। अब ये अच्छे लोग जिनके साथ हमने पिछली रात को रखा था या रहे थे, एक जगह पर छोड़ दिया जाना बहुत अच्छा है। They have something which is needed everywhere। उनके पास कुछ है जिसकी हर जगह ज़रूरत है। Their influence and their character will be of benefit of others wherever they go। उनका प्रभाव और उनका चरित्र दूसरों के लिए लाभ का होगा चाहे वे कहीं भी हों। Hence they ought to be scattered so that they can take their light to other places। इसलिए उन्हें तितर बितर होना चाहिए ताकि वे अपनी रोशनी अन्य स्थानों पर ले जा सकें। नाउ वी हैव टू सी टू इट दैट वी ग्रो इनटू सच सिटीजन्स दैट पीपल विल वांट टू लाइट ऑफ आवर करेक्टर एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर। अब हमें ये देखना है कि हम ऐसे नागरिकों के रूप में विकसित हों जो लोग हर जगह हमारे चरित्र और हमारे प्रभाव की रोशनी चाहते हैं। वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ करेक्टर दैट विल मेक पीपल वांट अस टू स्टे इन आवर प्लेस एंड नॉट टू मिक्स विद अदर्स। हम इस तरह के चरित्र की इच्छा नहीं रखते हैं जिससे लोग चाहते हैं कि हम एक स्थान पर रहें और दूसरों के साथ ना मिलें। If we are to be good citizens who will be able to serve our country, we must be carrying light with us wherever we go and not darkness। अगर हमें अच्छे नागरिक बनना है जो हमारे देश की सेवा करने में सक्षम होंगे तो हम जहाँ भी जाएंगे और अंधेरा नहीं होगा। हमें अपने साथ रखना चाहिए और इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स मस्ट बी फॉर गुड एंड नॉट डार्कनेस। दूसरों पर हमारा प्रभाव अच्छे और अंधेरे के लिए नहीं होना चाहिए, यानी अच्छे के लिए होना चाहिए और अंधेरे के लिए नहीं होना चाहिए। आर लिव्स मस्ट बी सच दैट वेयर एवर वी गो एंड वेयर एवर वी लाइव अदर पीपल विल बी द बेटर फॉर
और हैविंग बीन विद देम। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम जहाँ भी रहें दूसरे लोग हमारे साथ होने के लिए बेहतर होंगे। ए गुड सिटीजन इज ए सेंटर ऑफ लाइट वेयर एवर ही लाइव्स एंड वेयर एवर ही इज डूइंग। एक अच्छा नागरिक प्रकाश का एक केंद्र है जहाँ वे रहता है और जहाँ भी वे कार्य करता है कर रहा है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन्स इन ए कंट्री द मोर एनलाइटेड विल द कंट्री बी एज ए होल। किसी देश में अच्छे नागरिकों की संख्या जितनी अधिक होगी देश उतना ही अधिक प्रबुद्ध होगा। ऑल ऑफ अस आर और विल बी सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। हम सभी हैं या होंगे हमारे देश के नागरिक यानी अच्छे नागरिक होंगे। बट वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स और बैड वंस। लेकिन हमें अपने मन को बनाना होगा कि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं या बुरे। वी हैव टू डिसाइड वेदर वी शैल लाइव सच लाइव्स दैट आवर कंट्री विल बी द बेटर फॉर आवर लाइव्स एंड वर्क और द वर्स। हमें यह तय करना होगा कि क्या हम ऐसे जीवन जिएंगे कि हमारा देश हमारे जीवन और काम के लिए बेहतर होगा या इससे भी बदतर होगा। वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन वाट आवर कंट्री वुड बी लाइक इफ एवरीवन लिव्ड एंड एक्टेड इन जस्ट द सेम वे एज वी डू। हमें यह कल्पना करने की कोशिश करनी होगी कि हमारा देश कैसा होगा यदि हर कोई उसी तरह से काम करे जैसा हम करते हैं। ए चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक श्रृंखला उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। ईच वन ऑफ अस इज अ लिंक इन द चेन दैट इज आवर कंट्री। हम में हर एक श्रृंखला में एक कड़ी है जो हमारा देश है। इफ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन्स देन आवर कंट्री विल सफर। इवन थ्रू वी मे ट्राई टू कंफर्ट आवर सेल्स विद द फॉल्स आइडिया दैट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस वट वन पर्सन डज इन सच ए लार्ज कंट्री वेयर सो मैनी पीपल लिव लाइव। यदि हम कमजोर और गरीब नागरिक हैं तो हमारे देश को नुकसान होगा भले ही हम खुद को झूठे विचार के साथ आराम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतने बड़े देश में एक व्यक्ति क्या करता है। बट इफ वन कैंडल गोज आउट देन इन दैट वन प्लेस देयर इज डार्कनेस इंस्टीड ऑफ लाइट। लेकिन अगर एक मोमबत्ती निकलती है तो उस जगह पर प्रकाश के बजाय अंधेरा होता है। इट इज ओनली व्हेन ऑल द कैंडल्स बर्न ब्राइटली देन द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट। यह केवल तब होता है जब सभी मोमबत्तियां उज्ज्वल रूप से जलती हैं फिर पूरा घर रोशनी से भरा होगा यानी भर जाएगा। ईच ऑफ अस देयरफॉर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग ए गुड सिटीजन। इसलिए हम में से प्रत्येक के पास एक अच्छा नागरिक होने की जिम्मेदारी है। वी मस्ट सी दैट आवर पार्टिकुलर लिंक इन द चेन इज नॉट ए वीक वन। हमें ये देखना चाहिए कि श्रृंखला में हमारी विशेष कड़ी कमजोर नहीं है। When the Olympic Games were held in London in 1948, a flame was carried to London from Greece, where the Olympic Games used to be held in times long ago. जब 1948 में ओलंपिक खेलों का आयोजन लंदन में हुआ था तो एक लो को
ग्रीस से लंदन ले जाया गया था, जहां ओलंपिक खेल बहुत पहले हुआ करते थे। दिस फ्लेम वॉज कैरीड बाई ए लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स राइट अक्रॉस यूरोप। इस लो को पूरे यूरोप में धावकों के एक लंबी टोली द्वारा चलाया गया था। ईच रनर कैरिंग लाइटेड टॉर्च रेन फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस टिल ही केम टू द प्लेस वेयर ए फ्रेश रनर वॉज वेटिंग फॉर हिम। प्रत्येक धावक एक हल्की मशाल लेकर एक निश्चित दूरी तक दौड़ता रहा, जब तक कि वह उस स्थान पर नहीं आ गया जहां एक ताजा धावक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। द न्यू रनर देन लिट हिज टॉर्च फ्रॉम द वन दैट हैड बीन कैरीड टू हिम। नए धावक ने फिर उसी से अपनी मशाल जलाई जो उसे ले जाया गया था। एज सून एज ही हैड डन दिस ही सेट आउट टू रन विद हिज लाइटेड टॉर्च टू वेयर द नेक्स्ट रनर वॉज वेटिंग। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह अपनी हल्की मशाल के साथ दौड़ने के लिए निकल पड़ा जहां अगले धावक इंतजार कर रहा था। ही हैड ए फ्रेश टॉर्च विच ही इन हिज टर्न लिट फ्रॉम द वन ब्रॉट टू हिम। उसके पास एक ताजा मशाल थी जिसे वह अपनी बारी में उसके पास लाए हुए से जलाया था। एंड सो फ्रॉम रनर टू रनर द फ्लेम वॉज कैरीड टिल इट रीच्ड लंदन। और इसलिए धावक से धावक तक लो को लंदन तक पहुंचाने तक ले जाया गया। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च वॉज लिट द फायर विच बर्नड ऑल द टाइम द गेम्स वर गोइंग ऑन। अंतिम मशाल से उस आग को जलाया गया जो हर समय खेल जलती थी। ऑल्थो नथिंग वॉज सेड अबाउट इट एंड नो नेम्स वर मैंसनड एट वन प्लेस देयर वॉज एन एक्सीडेंट। हालांकि इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया था और किसी भी नाम का उल्लेख नहीं किया गया था, एक जगह पर एक दुर्घटना हुई थी। वन रनर व्हेन हैंडलिंग ओवर हिज टॉर्च टू ए फ्रेश रनर लेट इट गो आउट। एक धावक जब अपनी मशाल एक नए धावक को सौंपता है तो उसे बाहर जाने दें। हाउ असेम्ड ही मस्ट हैव बीन ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट। कितनी शर्म आ रही होगी उसे, उसने लो को निकल जाने दिया था। ही हैड ब्रोकन द चेन, उसने चेन तोड़ ली थी। ईच वन ऑफ अस एज वी लीव स्कूल हैज ए फ्लेम टू कैरी विच वी हैव टू पास ऑन टू अदर्स। हम में से हर एक, जैसा कि हम स्कूल छोड़ते हैं, एक ज्योति है जिसे हमें दूसरों तक पहुंचाना है। वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, हमें ज्ञान और कौशल दिया गया है। दीज वी पास ऑन बाय यूजिंग देम इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। ये हम अपने देश की सेवा में इनका उपयोग करते हैं। If we do not use them, it means that we are letting the flame go out and none of the wants to do that. यदि हम उनका उपयोग नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हम लो को बाहर निकलने दे रहे हैं और हम में से कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता है। But if we are going to be able to keep alight the torch that has been given to us, we have to know how to look after it and we have to know how to hold it as we run. लेकिन अगर हम उस मसाल को रखने में सक्षम होने जा रहे हैं
जो हमें दी गई है, तो हमें ये जानना होगा कि इसे कैसे देखा जाए। इसके बाद और हमें ये जानना होगा कि हम इसे कैसे चलाते हैं। इन अदर वर्ड्स, वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्व्स फॉर सिटीजनशिप एंड फॉर सर्विस ऑफ आवर कंट्री। दूसरे शब्दों में, हमें अपने देश की नागरिकता और सेवा के लिए खुद को प्रशिक्षित करना होगा। दोस्तों, ये पाठ कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने हैं। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द लेसन टॉर्च बियरर। मशाल वाहक पाठ के लेखक का क्या नाम है। व्हाट डिड गुरु नानक प्रे फॉर द पीपल ऑफ द सेकेंड विलेज, दूसरे गांव वालों के लिए, गांव के लिए, लोगों के लिए गुरु नानक ने क्या प्रार्थना की थी। अगर आपने हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप हाई स्कूल की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको सारे लिंक इसी वीडियो में मिल जाएंगे। 9th, 11th और 12th की क्लासें आपको अलग हमारे इसी पेज पर मिलेंगी। एजुकेशन वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।